नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं सतीश शर्मा और इस समय कैमरा पर मेरा सहयोग दे रहे हैं दीपांशु शर्मा, जो कि अक्सर हरिपुर धार क्षेत्र की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हम हरिपुर धार में मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के हालात अभी हरिपुर धार में। लगातार बर्फबारी का क्रम यहाँ पर जारी है। सुबह से ही देखा जा सकता है कि हरिपुर धार में किस तरीके से अभी बर्फ की फाहे यहाँ पर जो है वो गिर रही है। बात यहाँ की स्थिति की करें हम तो अभी तमाम यातायात सुविधाएं पूरी तरह ठप हो चुकी है। क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों में बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप है। तमाम संपर्क मार्ग सभी बंद है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी इनसे जानेंगे कि अक्सर किस तरीके के हालात यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। सामने देखा जा सकता है कुछ लोग यहाँ पर जो पैदल सफर कर रहे हैं, क्योंकि तमाम यातायात सुविधाएं ठप है, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया। तो एकमात्र विकल्प यही कि यदि कोई आवश्यक कार्यों से जाना चाहता है तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचना चाहता है तो पैदल ही उनको पहुँचना पड़ेगा। और हमने देखा अभी कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हुई तो कई किलोमीटर तक लोग पैदल सफर तय कर जो है गंतव्य स्थान तक जो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या हालात इस समय यहाँ पर बने हुए हैं और अक्सर बर्फबारी जब होती है किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यहाँ जो अभी बर्फ गिर रही है, क्रम जारी है और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुसार अगर बर्फ गिरती रही तो यहाँ 2 से 2.5 फुट बर्फ गिरने की फिर से संभावना है। और ये इस सीजन का 5वां हिमपात है और हिमपात की वजह से जहाँ बागवान किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जो लोगों का जनजीवन है उससे काफी प्रभावित हो रहा है। यहाँ अभी क्या हालात है, कितनी बर्फ यहाँ पर गिर चुकी है, कब बर्फबारी का क्रम शुरू हुआ था? ये लगभग सुबह के टाइम से बर्फ का जो क्रम शुरू हुआ था और लगभग यहाँ 1 फुट बर्फ गिर चुकी है और ऊंचे एरिए में 1.5 फुट 2 फुट भी हो सकती है। और यहाँ आपने कहा कि हालत यह है कि बिजली रात से या सुबह से ही गायब है और जितने भी यहाँ पर आने जाने की सुविधाएं पूरी तरह विराम लग चुका है। लोग पैदल जो रास्ते में फंसे पैदल आ रहे हैं जा रहे हैं और भयंकर बर्फबारी के बीच बड़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। बिजली ना होने से लोगों को ज़्यादा मुश्किल आती है और यहाँ पानी की भी समस्या है। पानी भी नहीं यहाँ मिलेगा बिजली ना होने की वजह से। और जैसे आप देख रहे हैं कि अगर कोई इस वक्त मरीज लाना पड़ता है, सबसे पहले लाना मुश्किल है। अगर यहाँ लाना है तो कैसे यहाँ पहुँचाना है? तो इस वक्त अगर कहीं भी भगवान ना करे कोई भी मरीज, कोई सीरियस, कोई कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि यहाँ तक लाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है यहाँ तक लाना। गुरु जी, किस तरह की कोशिशें यहाँ पर प्रशासन की तरफ से रहती है सड़कों की बाहरी की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है क्षेत्र में करीब सीजन का ये 5वां हिमपात इस बार का है, इससे पहले किस तरीके से प्रशासन ने कोई मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई हो या कोई समस्या है तो किस तरह की समस्या रहती है ताकि प्रशासन तक ये बात पहुंचे और जब बर्फबारी रुके तो जल्द से जल्द सड़क बहाली की कोशिशें यहाँ पर हो, या किस तरह की दिक्कतें आती है? जैसे आज बर्फ गिर रही है, क्रम जारी है, तो उस वक्त प्रशासन भी बिल्कुल मौन रहता है। ना जाने वो क्यों मौन रहता है, क्योंकि ये नहीं देखते कि भाई रास्ते में कोई लोग फंसे है, कोई गाड़ियां फंसी, कोई पर्यटक फंसा है, कोई भी बीमार आदमी है उसने आना जाना। प्रशासन तभी एक्टिव होगा जब बर्फ गिर जाएगी, मौसम ठीक हो जाएगा। जहां तक बिजली की बात करूंगा मैं, बिजली वाले ने इस बारी काफी मुश्तैदी दिखाई है, लेकिन ऐसे भयंकर मौसम में बिजली को बहाल करना भी थोड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य जरूर है। लेकिन प्रशासन का तो हमेशा ये आदेश होता है, जो अधिकारी होते हैं कंसर्न जिम्मेदार, जैसे एक्शन कहूंगा मैं या दूसरे अन्य अधिकारी है, कि वो थोड़ी इसमें मुस्तैदी दिखाए ताकि लोगों का आना जाना थोड़ा सा उनको राहत मिले। ये भी देखने को मिला है जो लोगों से हमारी बातचीत हुई है कि हालांकि जो ग्राउंड स्तर पर काम करे अधिकारी वो मुस्तैदी थे, पर बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे बात लोक निर्माण विभाग की अगर हम करें, मतलब उनको जो मुस्तैदी दिखानी चाहिए, खुद फील्ड में उतरना चाहिए, ऐसा कुछ शायद होता नहीं दिख रहा है, ऐसा लोगों का ये कहना है। लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रशासन की ओर से तो पूरे आदेश होते, जो अधिकारी होते, जिम्मेदार अधिकारी होते, ये थोड़े लेट लतीफ जागते हैं। अभी हमने देखा 2 बर्फबारी काफी भयंकर हुई यहाँ, ये तब अपने जेसीबी या मशीनें तब भेजते जब मौसम ठीक रहता है। अभी तक आप देख रहे हैं कहीं से भी कोई भी गुंजाइश, कहीं से भी कोई भी आहट अभी प्रशासन की तरफ से नहीं है। जबकि यहाँ मेरा निवेदन रहेगा,
हिमाचल सरकार से भी रहेगा, प्रशासन से भी रहेगा कि ये जो क्षेत्र है बहुत ही कठिन है, बहुत ही विकट परिस्थिति में है, इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी दुर्गम परिस्थिति में है, यहाँ ये स्नो बाउंड एरिया होना चाहिए। यहाँ तमाम जनता की आवाज है, तमाम लोगों का एक आग्रह है कि भी यहाँ एक स्नो कटर होना चाहिए ताकि समय रहते यहाँ जो यातायात बहाल किया जा सके, ताकि लोगों को एक राहत प्रदान हो सके। बिल्कुल, इनका कहना है। और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे लगातार यहाँ पर लोग जो किस तरीके से पहुँचे हैं, क्योंकि तमाम यातायात व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से जो है वो ठप हो चुकी है, आवाजाही की कोई व्यवस्था नहीं है, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो ठप हो चुकी है। तो किस तरह की मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ता होगा, देखा जा सकता है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे, निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो जाती है, और ऐसे में प्रशासन को और ज़्यादा मुस्तैद होने की यहाँ पर आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पर भी बातचीत कर रहे थे हमारे से स्थानीय लोग, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की जो मुस्तैदी दिखाने की थी, खासकर बड़े जो विभाग के अधिकारी है, मुख्यतः लोक निर्माण विभाग, क्योंकि सड़क बहाली सबसे बड़ी परेशानी रहती है कि सड़क अगर बहाल होगी तभी सारी व्यवस्थाएं जो पटरी पर लौटेगी। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो निश्चित तौर पर समय लेती है, चाहे हम बात पेयजल आपूर्ति की करें, बर्फ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो और सारी पाइपलाइनें जाम हो जाती है, तो उसका कोई विकल्प नहीं है, पर सड़कों का विकल्प है क्योंकि भारी मशीनरी तैनात की गई है, प्रशासन का यह दावा है। जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में मशीनरी लगाई गई है, तो अगर मशीनरी है तो उसका समय पर इस्तेमाल जो किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को समस्या जरूर होती है, कोई अगर ऐसे समय में कोई व्यक्ति यहाँ पर बीमार हो जाए कैसे उसको जो अस्पताल पहुँचाए। कुछ दिन पहले हमने देखा था जब इससे पहले स्नोफॉल हुआ था, यहाँ एक मझोली पंचायत है, 7 लखती पंचायत है, करीब 17 से 18 किलोमीटर की शायद दूरी है यहाँ से, तो 14 किलोमीटर दूर तक कंधों पर उठाकर मरीज लाए थे। कितनी परेशानी होती होगी बर्फबारी के बीच जब किसी मरीज को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़े, तो क्षेत्र के लोग ही जानते होंगे कि किस तरीके की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। उम्मीद ये करते हैं कि इस बार जैसे ही, क्योंकि अभी तो कोई कोशिश शुरू नहीं हुई है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लोक निर्माण विभाग यहाँ सड़क बहाली की कोशिशें शुरू करेगा, और क्षेत्र में जो बिजली आपूर्ति बाधित है उसकी बहाली की भी कोशिशें हो जाएगी, क्योंकि विद्युत उपकरणों का सहारा लोग नहीं ले पाते हैं और बड़ी मुश्किलें जो है वो बिजली ना होने के कारण भी यहाँ पर पैदा हो जाती है। ये कुछ जानकारी थी जो हम आपको यहाँ से मुहैया करवाना चाहते थे, और क्षेत्र से अक्सर हम कोशिश यही करते हैं कि क्षेत्र के लोगों की समस्या प्रशासन तक पहुँचे, पर प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करे, कोशिश यही हमारी रहती है, और आगे भी लगातार इस क्षेत्र की समस्या क्या क्या हो जाती है बर्फबारी के कारण उससे आपको अवगत करवाते रहेंगे, और उम्मीद ये करते हैं कि इस बार प्रशासन कुछ मुस्तैदी दिखाएगा ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है वो ना करना पड़े। अपने सहयोगी दीपांशु शर्मा के साथ लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हरिपुर धार से सतीश शर्मा।